गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ग्रामर टॉपिक सिंटैक्स। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो बोर्ड में आपसे पूछे गए हैं 2016 में, उन कुछ एग्जांपल्स को, सिंटैक्स को आज आप यू विल सेल लर्न। फर्स्ट एग्जांपल है वी मस्ट लव द पुअर्स, लव पुअर्स। स्टूडेंट फाइंड आउट मिस्टेक। यहां पर मिस्टेक कहां है? जब हम गरीब लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए, हम यदि पुअर से पहले भी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। तो वी मस्ट लव पुअर्स नहीं, द पुअर। 2016 में आया हुआ ये सिंटैक्स है। नेक्स्ट फिजिक्स आर ए टिपिकल सब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे नाम्स हैं जिनमें बाद में एस लगा हुआ है, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाम होते हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। फिजिक्स इज ए टिपिकल सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अधिकांश एग्जाम में आता है। यदि हमारा सब्जेक्ट वन है तो इसके साथ पजेसिव केस भी वन होगा। वन मस्ट डू वन्स एपोस्ट्रोफी एस ड्यूटी। नेक्स्ट I more prefer tea to coffee। स्टूडेंट्स प्रीफर, अधिक पसंद करना अपने आप में कंपरेटिव है। प्रीफर के साथ हमेशा देन का प्रयोग नहीं होता, टू का होता है, लेकिन ये अपने आप में कंपरेटिव वर्ड है। वर्ड है अधिक पसंद करना, तो मोर को रिमूव करेंगे। I prefer tea to coffee। Students, next example, the mother for a son not to tell a lie। Students देखिए, forbid अपने आप में negative word, forbid means मना किया। His son अपने बेटे से not to tell a lie, झूठ न बोलने के लिए। तो ये जब negative word है इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा, तो सीधा लिखेंगे द मदर फॉरबिड, मना किया एक बार का इंसान अपने बेटे को टू कैन ए लाइन, टू कैन ए लाइन। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, अनलेस you do not come to me I shall not
I shall not help you. देखिए ध्यान से, unless और until अपने आप में negative शब्द हैं और इसके साथ do not, does not, did not का प्रयोग नहीं होता। तो सीधे लिखेंगे unless यहाँ पे negative word है, you come me comma I said not happy. Next, I shall not go to school. Student, ध्यान से देखें। If it will rain, यदि conditional sentence है, if clause हमेशा present indefinite में बनती है, present indefinite, और दूसरी क्लास हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी। तो दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में है आई शैल नॉट गो, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। तो सही करेक्शन होगा इफ इट रेन्स, विल अट जाएगा रेन्स वगैरह, इफ इट रेन्स यदि वर्षा होगी आई शैल नॉट गो टू school. Next, it is I who is your cousin. Student, देखिए यदि यहां पर सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का प्रयोग होगा। इट इज आई सब्जेक्टिव केस आएगा यहां पर, मैं हूं, इट इज आई सब्जेक्टिव केस, वे हैं, इट इज दे के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होगी यहां पर, इट इज दे तुम हो, इट इज यू और हु, और यहां पर अकॉर्डिंग टू आई आएगी हु एम your cousin. Next देखिए, मोहित इज my older brother. मोहित इज my older brother. अब ध्यान से देखिए, older यदि family member है तो we shall use elder, और यदि नहीं है तो वी शैल यूज ओल्डर, लेकिन मोहित मेरा भाई है, माय फैमिली मेंबर, तो वी शैल यूज एल्डर। मोहित इज माय एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट, divide these fruits between the boys. देखे स्टूडेंट्स, यदि यहां पर काउंटिंग दो की है तो बीसाइल, यदि काउंटिंग अनकाउंटेबल है, वी डू नॉट नो अबाउट नंबर, वी डू नॉट नो अबाउट नंबर, यानी कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो हम एमएम का प्रयोग करेंगे, डिवाइड
बीच रोड्स अनाउंस अनाउंस द वॉइस. नेक्स्ट एग्जांपल दे each other. स्टूडेंट ये भी हो सकता है मोहन रवि एंड राहुल और हमेशा ध्यान रखिए ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए. अब यहाँ मोहन रवि एंड राहुल तीन हैं तो विषय यूज वन अनदर. मोहन रवि एंड राहुल थैंक्स स्टूडेंट. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो. वॉचिंग दीज एग्जाम्पल्स यू मे कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स. थैंक्स स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.